योगी जी, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। योगी आदित्यनाथ की जो पर्सनालिटी है उसको या गोरखपुर की जनता को? देखिए, गोरखपुर की जनता और जिस विचारधारा, जिस पार्टी के साथ हम कार्य कर रहे हैं, उस विचारधारा दोनों का योगदान है। आपने आज एक स्टेटमेंट दिया है, आपने कहा है कि अब बीजेपी का कार्यकर्ता जो है गांव-गांव तक जाएगा और महाभारत होगी, तो किस तरह की महाभारत की तैयारी है आप लोगों की? देखिए, उत्तर प्रदेश देश का हृदय स्थल है। दुर्भाग्य से अराजकता की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। कोई जिला ऐसा नहीं जहां पर हिंदू विरोधी झड़पें न हो रही हों, और प्रदेश की नीतियां उसके लिए जिम्मेदार हैं। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर प्रदेश के नौजवानों के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हुआ, मुझे लगता है कि राष्ट्रवादी ताकतें अगर जागरूक नहीं हुई, हिंदुत्व न उग्र है और न सरल है। हिंदुत्व हिंदुत्व है, वो एक जीवन पद्धति है जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो जियो और जीने दो की बात करता है। हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, और अगर मुसलमान को अधिकार है तो हिंदू को भी अधिकार है। हिंदू को उस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, और केवल इस आधार पर उसके साथ अत्याचार नहीं हो सकता कि वो हिंदू है। हिंदू या वाहनी का कार्यकर्ता अन्याय के खिलाफ लड़ता है, अत्याचार का जवाब देता है। देश को अगर आगे बढ़ाना है तो जात पात धर्म से उठकर राजनीति करनी चाहिए, लेकिन आपकी अगर बात करें तो आप पे आरोप लगता है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। देखिए, धर्म आखिर है क्या? मुझे लगता है कि इस देश का दुर्भाग्य है, एक तरफ आप धर्म की इतनी अच्छी व्याख्या करते हैं, दूसरी तरफ आप धर्मनिरपेक्ष भी बनना चाहते हैं। लेकिन अगर मुझ जैसे व्यक्ति से कोई पूछेगा कि धर्म और राजनीति में से किसी एक को चुनना है और प्रखरता के साथ धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आना है, तो मैं धर्म को चुनूंगा, राजनीति को नहीं चुनूंगा। मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूं, मैं धर्म सापेक्ष व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करता हूं जिस पर हर व्यक्ति का कल्याण निहित है।